यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली दूल्हा लग रहा है, ऐसा कॉस्ट्यूम ही यही है। जाएंगे घाट की तरफ, बिरयानी खा ली, हर बैग हम लोग वहीं पे भूल गए। इनर का पजामा मिल गया ना तो लेना होगा। अभी हम ये वाला लिए, सोनू भाई लिए ऊपर वाला। फाइनली अभी हम लोग आ गए घाट के पास और यहाँ पे देख सकते हैं सबको है। फिर नाव का जुगाड़ हो गया और हम लोग लाइफ जैकेट पहन लिए। अब बचने वाले थे, हमको तैरना नहीं आता है, हम पहने कहते हैं नवीन भाई, आता है मतलब किसी को पकड़ के हम भाग सकते हैं। करने का घाट जहाँ पे 24 घंटा बस लास्ट चलता है और ये वाला चीता कभी नहीं पूछता यहाँ पे। अगर यहाँ का लास्ट पूछ गया तो उस दिन कयामत आ जाएगा, मतलब पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगा अगर यहाँ का लास्ट पूछ गया तो। तो है गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज भी हम बनारस में, कल 17 तारीख, कल हम लोगों का ट्रेन है कश्मीर के लिए जम्मू तवी, तो कल पकड़ेंगे ट्रेन और आज अभी चलते सुबह सुबह उठ करके नाश्ता करने के लिए। बाकी रात में यहीं पे सोए हुए थे, अभी सोनू भाई लोग सबको ही गए फ्रेश होने के लिए और नाश्ता कर लेते हैं पहले, फिर जाना होगा सोनू भाई के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि सोनू भाई को आज उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, सुबह आ गए हम लोग नाश्ता करने के लिए, देखते इडली खाएंगे कहीं पे, यहाँ पे खाएगा। चलिए तब इडली खाते हैं यहाँ पे, ये रहा सुबह का नाश्ता इडली, तभी हम लोग खा रहे हैं, खा के देखते कैसा लगेगा। वैसे एक कल खाए थे फ्राई वाला उतना कुछ खास नहीं लगा था, तो डायरेक्ट इडली खा रहे हैं। ये फ्राई होने के बाद अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो खाते अब इसको। इडली खाए थे, अभी हम लोग खा रहे हैं वड़ा। तो सब कुछ ट्राई करना चाहिए, हर कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता भी देगा पेट भी भर जाएगा। तो चलिए अभी वड़ा खाते हैं, अभी मस्त नाश्ता कर लिए, अभी जा रहे हैं हम लोग वापस से हॉस्टल। और हम लोग का टिकट में भी कंफर्म हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए हम लोगों को तत्काल बुक करना होगा। अभी 10:30 बज रहा है, 11 बजे तत्काल बुकिंग करना है। अगर तत्काल हो गया और फिर ये भी कंफर्म हो गया तो कोई एक कैंसिल कर देंगे, या कोई भी टिकट कंफर्म हो जाना चाहिए, या तो हम लोग तत्काल बुकिंग करेंगे तो वो कंफर्म हो गया तो पहले वाला टिकट कैंसिल कर देंगे, या फिर पहले वाला कंफर्म हो गया तो दूसरा वाला कैंसिल कर देंगे। दोनों में से कुछ करने वाले, तो चलिए अभी चलते हैं हॉस्टल, यही सामने यहाँ से ऊपर। अभी चलते हैं हम लोग बीएचयू, इसको देख सकते हैं ऐसे दूल्हा बन गया है पूरा, क्या ही लग रहे हैं भाई, मतलब खतरनाक होता है कभी-कभी जाता है ऐसे। सर हमारे पगड़ी इसके अंदर रखा है, बोलते हैं रोड में चलते हुए सब देखेगा हमको। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली दूल्हा लग रहा है और हम लोग सब जा रहे हैं डायरेक्ट धस करके निकला ये ऊपर से नीचे, मतलब ऐसा कॉस्ट्यूम ही यही है, दूल्हा है साथ में, हम लोग जा रहे हैं दूल्हा का शादी करवाने के लिए। ये रहा बेचू का मेन गेट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चलिए अभी चलते हैं। अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी फिर जाएंगे घाट की तरफ। ऐसे सोनू भाई को ये वाला डब्बा मिला और इसका सब कुछ मिल गया, अनबॉक्सिंग हो गया, जो जो निकला सब हाथ में, हमको बस डेयरी मिल्क मिला है, बाकी लूट लिए ये लोग। कुछ खा पी करके फिर जाएंगे घूमने के लिए हम लोग, बेचू से आते आते भूख लग गया अभी, हम लोग आए थे बिरयानी खाने के लिए, इसका फाइनली सारा काम हो गया, अब हम लोग कल निकलेंगे। बहुत खटा है ये, पूरा जितना देर बिठा के रखा है 12 बजे से लेकर के 3 बजे, 3:30-4 बज के तो अभी आ रहा है बिरयानी। ये रहा बिरयानी, कौन सा बिरयानी है, मसाला बिरयानी, चिकन बिरयानी, मसाला बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, सीधा क्लियर हैदराबादी बिरयानी। चलिए गाइस अभी खाते हैं इसको, मुरादाबादी बिरयानी गाइस। अभी मस्त हम लोग बिरयानी खा लिए, हर बैग हम लोग वहीं पे भूल गए थे, अभी यहाँ पे बैग सबमिट करते हैं और फिर जाएंगे हम लोग V2 मॉल के अंदर, देखते हैं अगर हमको इनर का पजामा मिल गया ना तो लेना होगा, तो वहाँ पे ठंड लगेगा। ऊपर पहनने के लिए बहुत कुछ लिए पर नीचे पहनने के लिए कुछ नहीं लिए, तो देख लेते हैं। अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर वाला इनर सेम इस कलर का है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड मतलब सेम इसी कलर का हमको नीचे वाला भी लेना है, तो वही ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे है और मस्त सस्ता एल है, एल आ जाएगा ना, पक्का पक्का आ जाएगा, आ तो गया पर चिपका हुआ बहुत ज्यादा, नहीं चिपका हुआ रहेगा, नहीं चिपका हुआ। तो अभी हम ये वाला लिए, सोनू भाई लिए ऊपर वाला, तो ये दोनों अभी इसका फटाफट से बिल पे करते हो, लीजिए पेड करो। फाइनली शॉपिंग कर ली, अब चलिए चलते हैं, एक्स्ट्रा सॉक्स भी ले लिए जो कि नहीं था मेरे पे, तो यहाँ पे चेक करवा लेते हैं। अच्छा तो गाइस शॉपिंग कंप्लीट हो गया और वापस से हम लोग बैग भूल रहे थे, भूल गए थे ना अभी। हम लोग अभी बिरयानी खा रहे थे उस टाइम पे भी बैग भूल गए थे, फिर भाग करके गए वापस लाने के लिए और फिर वहाँ जा करके जमा किए और फिर अभी निकले और वापस भूल करके जा रहे थे। नवीन भैया को याद था बस, अभी बैग ले लिए नवीन भैया। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे हॉस्टल, फिर हॉस्टल से जाएंगे घाट। वैसे शाम हो गया, सूरज डूबने ही वाला है, कुछ ऐसा भीड़ है यहाँ पे, पता नहीं कुछ ऑफर लगा है, बहुत भीड़ है अंदर। अभी आगे हम लोग हॉस्टल वाले गली में अभी जाएंगे, शर्ट खोलेंगे, स्वेटर पहनेंगे, सोनू भाई अपना गेटअप चेंज करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे घाट। फाइनली अभी हम लोग आ गए घाट के पास और यहाँ पे देख सकते हैं सबको है। तो चलिए अभी हम लोग चले गए नाव में और यह है आतिर भाई, और नवीन भैया को तो आप जानते हैं, आपका नाम भाई दिव्यांग दिव्यांग भाई दिव्यांग ले
लिए चलते हैं अभी नाव में बैठने के लिए। फाइनली अभी नाव का जुगाड़ हो गया, पर पर्सन 50 रुपया और इस पे जाने वाले हम लोग। मणिकर्णिका घाट में होता क्या है, लाश जलाता है, जहाँ पे अंतिम संस्कार वाला घाट पे जाने वाले, तो चलिए चलते अभी। बैठ गए नाव के ऊपर, ये देखिए नवीन भाई इस साइड बैठे हैं, उठने ना जाएगा, चले गए गाइस। अभी हम लोग उधर जाने वाले हैं, अभी हम ड्राइवर वाले सीट पे बैठे हुए हैं। ये रहा ड्राइवर वाला सीट, ये रहा ड्राइवर का स्टीयरिंग, इससे ड्राइवर चलाता है, और वो रहा रियल क्रूज, इससे भी चलता है कुछ ऐसा है। और पानी के बीच में, मतलब बीच नहीं, वहाँ पे घाट, हम लोग इतना दूर आ गए, सिर्फ नाव में चढ़े हुए हैं। फाइनली अभी अपना नाव चल पड़ा और हम लोग लाइफ जैकेट पहन लिए, अब बचने वाले थे। हमको तैरना नहीं आता है इसलिए हम पहने, सोनू भाई को आता नहीं इसलिए सोनू भाई पहने। नहीं आता ना आपको? आता है नवीन भाई? हमको आता है, मतलब किसी को पकड़ के हम भाग सकते हैं। किसी को पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? दोस्त इसका लाइफ जैकेट मस्त है। तो गाइस अभी नाव चल पड़ी है, बस इस साइड पानी है, हम लोग लेट हो गए आने में, नहीं तो सुबह घूमते ज्यादा सही रहता। फाइनली अभी अपनी नाव चल पड़ी वन पीस ढूंढने के लिए। जिसको जिसको डर है उन लोग के पास लाइफ जैकेट है। जाएंगे मस्त मछली पकड़ेंगे, निकालेंगे, फ्राई करेंगे। घाट के किनारे का बनारस शेरा, क्या खूबसूरत लग रहा भाई। पर ये अंधेरा हो गया, हम लोगों को आना चाहिए था दोपहर के टाइम में, थोड़ा सा लेट हो गया। हेलो, हेलो भाई, इन द हाउस दिव्यांग, दिव्यांग ये आतिर भाई, आतिर भाई को देख लीजिए, सबसे तंदुरुस्त लड़का हमारे ग्रुप का, हमें गिरावट से नाम कर सभी। हम लोग बीच के साइड आ गए हैं, बस नाव चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, कुछ ऐसा दिख रही है बस। अभी बीच में वहां से हम लोग आ रहे आए जा रहे, लास्ट घाट वही है 80 घाट, टोटल 84 घाट है, बट जिस घाट में हम लोग थे वो 80 घाट। हेलो, गंगा आरती हो रहा है, अरे सामने से क्रूज जा रहा है। हाँ हाँ, कौन बोला अभी यहाँ तक नहीं लेकर के गए, तो बहुत आगे लेकर के जा रहे। अच्छा, मणिकर्णिका घाट वहाँ पे गाइस, अभी मणिकर्णिका घाट आने वाला है, ये देखें वो वहाँ पे आग चल रहा है। ये रहा मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे वो टिल्ट वाला मंदिर 24 घंटा बस लास्ट चलता है। अच्छा, ये टेढ़ा वाला मंदिर, इसको देखे थे हम पहले। ये मंदिर थोड़ा सा झुका हुआ है और ये वाला चीता कभी नहीं घुसता यहाँ पे, मतलब तो हमेशा जलते रहता है 24/7। ये देखिए गाइस, अभी भी लाश जल रहा। बताया जाता है कि अगर यहाँ का लाश घुस गया तो उस दिन कयामत आ जाएगा, मतलब पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगा जी, अगर यहाँ का लाश घुस गया तो, मतलब हमेशा जलता रहता है। देखे अभी भी जल ही रहा, इतना सारा धुआं, अभी ये जल के हटेगा कोई और जलेगा, ऐसे करके हमेशा जलते रहेगा, हर एक टाइम हमेशा 24 घंटा लगातार, एक टाइम पे भी चीता और रुकता नहीं है हमेशा। अभी अराउंड 6:30 बज रहे हैं और अभी भी जल रहा है, और पूरा दिन भर हमेशा 24 घंटा बस जलता रहता है वहाँ पे। पीछे से बहुत बड़ा नाव आ रहा है, मतलब ये जहाज आ रहा, पानी वाला जहाज, बहुत बड़ा। फाइनली घूम लिए पूरा, सुबह रहता है ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे अंधेरा अंधेरा पूरे चारों तरफ लाइट जल रहे हैं, और अभी लाइफ जैकेट भी ले लिया, बोला कि अब डूबेगा तो बचा ले, इसलिए लेके चल गए। तभी हम लोग नाव से उतर गए और यहाँ पे गंगा आरती हो रहा है, मस्त हो रहा है, भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है, पूरा फुल है। हम लोग नाव से उतरे तो हम लोग इस साइड से देखने का मौका मिला। अभी हम लोग घाट घूम रहे थे, सोनू भाई उधर ही रुक गए, उसके कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, तो अभी हम लोगों को नवीन भैया लेकर के जा रहे झांसी की रानी का जन्म स्थल दिखाने के लिए। झांसी की रानी किधर पैदा हुई थी, चलिए चलते देखने, पता नहीं किधर लेकर के आ गए हैं। घाट से एकदम पूरा अलग चढ़ाए पहले घाट की तरफ, और अभी झांसी की रानी के गलियों में घूम रहे हम लोग। एक कुत्ता काटेगा नहीं ना? नहीं नहीं, अरे सच में, अरे सच में झांसी की रानी का जन्म स्थल है, ये रही झांसी की रानी, यहीं पे पैदा हुई थी, यही घर था पहले, यही घर में, यही जन्म स्थल,
यहीं पे पैदा हुए। घर कहाँ पे था पता नहीं, बट हाँ यहीं पे थी, पैदा अच्छी तरह हुई थी। तो घर तो है नहीं, बट ये जमीन तो है ना जिंदा। तो ये इसका बड़ा सा स्टेचू बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन। यहाँ पर बहुत सारे स्टेचू बना हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है इस पे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान देखते ही घाट घूम रहे थे और हम लोग घाट से सीधा इतना ऊपर आ गए। यहाँ से देखिए नवीन भैया लोग वहाँ पे है, ये भी चढ़ रहा है। ए भाई मुंह फूट जाएगा भाई, तुम चढ़ के भाई, हमको भरोसा नहीं हो रहा भाई तुम। अरे उतरेंगे कैसे, चढ़ने का तो चढ़ गया, उतरेंगे कैसे? उतरेगा मुंह तोड़ के उतरेगा और क्या। चढ़ने का इजी है पर उतरने का बहुत हार्ड। यहाँ से पूरा घाट दिख रहा ऐसा कुछ। उस टाइम पे हम लोग घाट से आए, फिर हॉस्टल गए थे, फिर हॉस्टल से हम लोग गए थे चिकन लाने के लिए कि आज नवीन भैया पार्टी दे रहे हैं, इसलिए हम लोग गए थे। और वापस चलते हैं अभी हॉस्टल, तो अभी जाकर के खाना खाना है। हमारे सोनू भाई गए थे चिकन लाने के लिए, तो चले चलते अभी हॉस्टल। और टाइम 9:30 या फिर 10 बज रहा है। रात में चिकन खाने के बाद ब्लॉग एंड करना भूल गए थे, तो मस्त चिकन वगन खाए और सो गए थे। तो आए थे चिकन लेकर के बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए सो गए, तो आज ब्लॉग एंड कर देते। तो आई होप आप सभी लोग आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा हूँ। और अगर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है तो जाओ जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।